हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड बच्चों आज इस वीडियो में हम सिक्स क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये केवीएस सेशन एंडिंग एग्जाम का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है अशोका okay, so के ग्रांड फादर का क्या नाम था कृष्णा महावीर सिद्धार्थ या फिर चंद्रगुप्त मौर्य डी ऑप्शन इज करेक्ट मौरियन डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य ही थे इनके बाद आते हैं बिंदुसार एंड देन अशोका सेकेंड क्वेश्चन इन विच बुक चाणक्याज रिटर्न चाणक्य के आइडियाज किस बुक में लिखे गए हैं चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में ही थे रामायण महाभारत या फिर अर्थशास्त्र सी ऑप्शन इज करेक्ट इन्होंने बुक लिखी है अर्थशास्त्र रोमन कॉइन्स वर फाउंड इन रोमन कॉइन्स कहां पर मिले हैं जिससे पता लगता है कि रोमन ट्रेडर्स यहाँ पर आया करते थे मथुरा साइड समत साइड अरिका मेदू साइड या फिर पाटली सी ऑप्शन इज करेक्ट ये कोस्टल एरिया है सो so, अरिका मेदु जात आर जातक क्या है स्टोरीज कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल आम लोगों के द्वारा बनाई गई कुछ कहानियां या फिर कुछ स्टोरीज जिनको कंपोज किया है संगम ने या फिर सिर्फ कुछ टेक्स्ट हैं जिनको कंपोज किया है बुद्धिस्ट मॉन्क ने टेक्स्ट कंपोज्ड बाय किंग्स ये कुछ कहानियां हैं जिनको कि ऑर्डिनरी पीपल आम लोगों ने कंपोज किया है अबाउट दी प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा उसके बाद इनको लिखा और प्रिजर्व किया बुद्धिस्ट मॉन्ग्स ने यहां पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट इज गोल्ड वर इशूड फर्स्ट फर्स्ट इशूड बाय गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इशू किए अशोका कनिष्क चोलास या फिर हर्षवर्धन कनिष्क जो कि कुशां डायनेस्टी के किंग थे इन्होंने सबसे पहले गोल्ड क्वाइंस इशू किए थे बी ऑप्शन इज करेक्ट फायान वॉज अ पिलग्रिम ऑफ फायान किस कंट्री के पिलग्रिम थे कहाँ से आए थे इंडिया में अमेरिका चाइना इंडिया जापान सो बी ऑप्शन इज करेक्ट नाम से भी आप पहचान सकते हैं ये एक चाइनीज पिलग्रिम थे विच वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवाज एंड चालुक्यास इन दोनों डायनेस्टी की कैपिटल कौन सी थी कांचीपुरम दिल्ली आगरा अमरावती ए ऑप्शन इज करेक्ट कांचीपुरम वेयर इज अमरावती एट प्रेजेंट अमरावती एट प्रेजेंट कहाँ है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश डी ऑप्शन इज करेक्ट अभी ये आंध्र प्रदेश में है अ जैन मोनेस्ट्री इज एट इनमें से कहाँ जैन मोनेस्ट्री सिचुएटेड है उड़ीसा गुजरात सांची बांग्लादेश सो so, गुजरात जो है ये लार्जेस्ट क्लस्टर है ऑफ जैन मोनेस्ट्रीज डी ऑप्शन इज करेक्ट रोड द बुक आर्यभ्ट आर्यभट्ट किसने लिखी है वाल्मीकि व्यास आर्यभट्ट या फिर बानभट्ट ईजी है आर्यभट्ट ने ही लिखी है Aryabhat, जो कि वन ऑफ ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रहे हैं इन गुप्ता डायनेस्टी ओके सी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज दार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ आठ पर सेवन कॉन्टिनेंट है उसमें से लार्जेस्ट कौन सा है एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया नान ऑफ दीज सो एशिया लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट है आर्कटिक सर्कल क्या है अर्थ के ऊपर सिक्सटी डिग्री नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड है ये हमारा आर्कटिक सर्कल है सो so, ये किन सॉरी uh, से पास होता है एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका या फिर ऑल ऑफ दी सभी से होता है सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑन विच प्लान इज द लाइफ फाउंड वेरी इजी क्वेश्चन किस प्लान पर लाइफ मिलती है अर्थ पर ऑब्वियसली क्योंकि टेम्परेचर एवरेज है वॉटर अवेलेबल है जो भी नेसेसरी चीजें हैं सर्वाइवल के लिए सभी अट पर मिल जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशन इनमें से कौन सा एक ओशन नहीं है इंडियन इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन अंटार्क्टिका ये एक कॉन्टिनेंट है सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट जो है हमारा सो डी ऑप्शन करेक्ट है वेयर इज बे ऑफ बेंगाल बे ऑफ बेंगाल कहाँ है ये इंडिया है अगर हम साउथ इंडिया की बात करें इधर बे ऑफ बेंगाल है सो so, ये डायरेक्शन पूछ रहा है इन द ईस्ट डायरेक्शन ये ईस्ट ही डायरेक्शन है इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया ना कि वेस्ट में नॉर्थ में या फिर साउथ में विच हिल्स आर लोकेटेड इन राजस्थान इनमें से कौन से हिल्स राजस्थान में लोकेटेड है अरावलीजन घाट हिमालय ऑल ऑफ दीज अरावली हिल्स जो की दिल्ली से स्टार्ट होती है देन हरियाणा राजस्थान से पास होते हुए गुजरात में एंड होती है एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया में एग्रीकल्चर किस चीज पर डिपेंडेंट है रेन्स ड्रॉप विंड ऑल ऑफ दीज रेन पर बारिश पर डिपेंडेंट है ऑल दो अफेक्ट वो ड्रॉट से भी होता है बट ए ऑप्शन ही इसमें सही होगा आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं वेस्ट बंगाल मुंबई दिल्ली नन ऑफ दीज ये कोस्टल एरियाज में मिलते हैं जहां पर वाटर सेलिडिटी बहुत ज्यादा हो और इंडिया में ये मिलेंगे आपको वेस्ट बंगाल में एस एच ओ स्टेशन हाउस ऑफिसर इज हेड ऑफ ये किसके हेड होते हैं तहसील डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल सी पुलिस स्टेशन कॉल्ड रेवेन्यू ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर किसे बोलते हैं पटवारी तहसीलदार पुलिस या फिर सब इंस्पेक्टर तहसीलदार को इन विच सिटी ऑफ गुजरात प्लेग स्प्रेड इनमें से गुजरात की किस सिटी में 1994 में प्लेग फैल गया था सूरत द्वारका कच्छ अहमदाबाद सूरत में ये ऑप्शन सही है विच इज फार्मिंग एक्टिविटी कौन सी एक फार्मिंग एक्टिविटी है वीविंग बुनना फिशिंग मछली पकड़ना वीडिंग ब्लैक स्मिथ वर्क वीडिंग हम बोलते हैं जब कुछ अनवांटेड प्लांट वीड्स हैं मेन क्रॉप के साथ उनको जब आप रिमूव करते हैं उसको वीडिंग कहा जाता है सो ये काम फार्मर्स करते हैं फार्मिंग एक्टिविटी है वेर आर रेडीमेड क्लोथ्स सोल्ड रेडीमेड क्लोथ्स कहाँ पर बिकते हैं एट गारमेंट शॉप एट शू शॉप एट केमिस्ट शॉप नान ऑफ दिज केमिस्ट के शॉप पर आपको मेडिसिन मिलेगी यहाँ पर शूज ये गारमेंट शॉप में मिलेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है विच इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल एरिया रूरल एरियाज़ में मेन ऑक्यूपेशन क्या है फार्मिंग टीचिंग बिजनेस या फिर वर्किंग इन बैंक जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो मेनली रूरल एरियाज़ में होती है सो ए फार्मिंग इज करेक्ट ऑल दी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इन टू इंडिया के सभी स्टेट्स को फर्दर किस में डिवाइड किया गया है सिटीज़ में ग्राम्स में नगर्स में या फिर डिस्ट्रिक्ट में फर्दर उनको डिस्ट्रिक्स में डिवाइड किया गया है डी ऑप्शन सही है ओके okay, ये थे आपके ट्वेंटी फाइव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पर आते हैं वॉट वर दी प्रॉब्लम्स दैट अशोका वॉन्टेड टू सॉल्व बाई इंट्रोड्यूसिंग धम धम को इंट्रोड्यूस करके अशोका किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे सबसे पहले तो दी प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट लोग डिफरेंट रिलीजन में बिलीव करते थे उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस डिफरेंट थी तो वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो जाएगा देन एनिमल सेक्रीफाइस बंद होगा क्योंकि धम जो है वो अहिंसा में बिलीव करता है एंड देन इल ट्रीटमेंट ऑफ स्लेवस एंड सर्वेंट्स धम में इक्वालिटी के बारे में भी कहा गया है ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स तो लोग जो इल्ट्रीट करते थे स्लेव्स को सर्वेंट्स को लो कास्ट पीपल को वो भी बंद हो जाएगा सो so, इन तीन रीजन से उन्होंने धम को इंट्रोड्यूस किया था व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति भक्ति के मेन फीचर्स क्या हैं सबसे पहले तो नो no डिस्क्रिमिनेशन कोई भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट कलर क्रीड रिलीजन एंड इंडिविजुअल वर्शिप भक्ति में माना जाता है कि जो डिवोटी है और जो गॉड है उनके बीच में पर्सनल रिलेशनशिप है आपको सिर्फ डिवोशन दिखाना है रादर देन परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस वाई डेड किंग्स वॉन्ट टू कंट्रोल द सिल्क रूट सभी किंग्स सिल्क रूट को कंट्रोल क्यों करना चाहते थे टू कलेक्ट टैक्सेस गिफ्ट एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम ट्रेडर्स ये रूट ट्रेडिंग के लिए बहुत फेमस था और जो ट्रेडर्स थे जिनके भी अंडर आ, सिल्क रूट आता था उन किंग्स के लिए गिफ्ट्स एंड ट्रिब्यूट्स लेकर आते थे इसके अलावा वो ट्रेडर्स से हेवी टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे वाई इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कॉल्ड लैंड हेमिसफेयर अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर है उसको लैंड हेमिसफेयर क्यों बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट है लैंड मास का वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में ही है सदर्न हेमिसफेयर में ओशन ज्यादा है अगर आप देखें कॉन्टिनेंट्स में भी वहां पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है सो द रीजन बींग बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ लैंडमास लक्षदीप नोन एज कोरल आइलैंड लक्षदीप कोरल आइलैंड क्यों बोलते हैं सिंपली बिकॉज इट इज मेड बाय कोरल्स क्योंकि वो कोरल से ही बना है कोरल्स क्या होते हैं

विच एनिमल आर फाउंड इन गिर नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल मिलता है गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज होम ऑफ एशियटिक लाइन्स यहाँ पर मिलते हैं एशियटिक लाइन्स वेयर इज राइनोज फाउंड इन इंडिया इंडिया में राइनोज कहाँ मिलेंगे एलिफेंट्स एंड जो वन हॉर्न राइनो है वो मिलते हैं इन दॉरेस्ट ऑफ असाम इन असाम ओके हिंदी में अगर पढ़ना है तो वो भी दिया है नीचे वॉट इज द वर्क ऑफ द पुलिस पुलिस का वर्क क्या है सबसे पहले तो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना उस एरिया में सेकेंड टू रजिस्टर एफ आई आर एंड केसेस वेरियस केसेस एंड देन टू एंक्वायर इन्वेस्टिगेट

देन यहां पर क्योंकि प्लेन एरिया है सो यहां पर जो नेटवर्क है ऑफ ट्रांसपोर्ट उसको स्टेब्लिश करना बहुत ईजी है वेरी इजी टू मेक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और भी बहुत सारे रीजन है कोई भी आप लिख सकते हैं नेक्स्ट विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया इंडिया में कौन सी विंड्स रेनफॉल लेकर आती है साउथ वेस्ट मॉनसून मॉनसून मीन्स एंड वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट मॉनसून रेन क्यों जरूरी है एक तो वाटर जो ग्राउंड लेवल है वाटर का उसको रिचार्ज करने के लिए एंड ऑल्सो जो एग्रीकल्चर uh, है इंडिया में वो भी रेन पर ही डिपेंडेंट है सो so, ये दोनों पॉइंट्स आप लिख देंगे नेक्स्ट हाउ डज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न मनी टू डू इट्स वर्क म्यूनिस्पल कार्पोरेशन को मनी कहा से मिलती है अपना काम करने के लिए बाई टैक्सेस कई सारे टैक्सेस है जो कि ये कलेक्ट करती है जैसे कि एजुकेशन टैक्स उसके बाद बाई फीस एंड फाइनस सिटीजन से ही लेती है वहीं पर और फिर जो भी वर्क करना है उस एरिया में वो करती है नेक्स्ट लिस्ट फोर वेज इन विच द वर्कर ऑफ मुंसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ सिटी डिवेलर चार तरीके लिखने हैं कि किस तरीके से जो वर्कर्स हैं म्युनसिपल कॉरपोरेशन के वो अफेक्ट करते हैं उस शहर में रहने वाले लोगों को सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड ये वर्क म्यूंसिपल कॉरपोरेशन का ही है किसी भी शहर के एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स पार्क्स स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स देन सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर and uh, electricity also and electricity collection of collection and disposal of garbage and uh, then maintenance of drainage system drainage system one two three and four next इन वॉट वेज इज द पर्मानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम कैजुअल जॉब डिस्कस किस तरीके से पर्मानेंट जॉब डिफरेंट है कैजअल जॉब से सबसे पहले तो पर्मानेंट जॉब जो है वो उसमें रेगुलर सैलरी मिलती है आफ्टर एवरी मंथ रेगुलर सैलरी और जबकि कैजुअल में डिपेंड करता है कि फॉर हाउ मेनी डेज यू हैव वर्कड ये सेफ एंड सिक्योर है एंड देर इज नो जॉब सिक्योरिटी इन कैजूअल जॉब पर्मानेंट जॉब में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हॉलीडेज एंड देन मेडिकल फैसिलिटीज एंड देर इज नो सच फैसिलिटी इन कैजअल जॉब यहाँ पर फिक्सड वर्किंग आवर्स होते हैं ऐसा कुछ भी कैजुअल uh, जॉब में नहीं होता और भी बहुत सारे डिफ्रेंसेज आप लिख सकते हैं नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेज ऑन दी मैप ऑन दी गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ये प्लेसिज आपको बताने हैं वन अच्छा वन नीचे वन ये क्या है ये है हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका नंबर टू लक्षदीप नंबर थ्री अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नंबर फोर लद्दाख ये नई यूनियन टेरिटरी है जो अभी बनी है एंड दिस इज राजस्थान ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था एक्साम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास सिक्स सोशल साइंस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग